टीवी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ शुक्ला के हार्ट अटैक से निधन होने की पुष्टि की है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वह उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शॉक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई में सिद्धार्थ के आवास पर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आना जारी है। हर कोई अपने फेवरेट अभिनेता को याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे माँ और दो बहनों को छोड़कर गए हैं। कूपर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के शव को सुबह उनके परिजन ही कूपर अस्पताल ले गए थे। कूपर अस्पताल में ही सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पुलिस इस मामले को करीब से देख रही है। पुलिस को अभी तक निधन को लेकर किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं दिखाई दी है। हालांकि पुलिस अभी भी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सिद्धार्थ शुक्ला की पीआर टीम ने हर किसी से अपील की है कि वह किसी तरह की अफवाह ना उड़ाएं और परिवार को इस मुश्किल माहौल में कुछ समय दें। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस का 13वां सीजन और खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन जीता था। सीरियल बालिका वधु से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। बिग बॉस 13 से मिली सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ उनका कनेक्शन सोशल मीडिया पर छाया रहा। हाल ही में ही सिद्धार्थ और शहनाज की कई म्यूजिक वीडियो भी आई थी, जिन्हें यूथ ने काफी पसंद किया। आखिरी में सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि PRSG न्यूज की टीम को सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का काफी अफसोस है और उनके परिवार की तरफ हमारी सहानुभूति है। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।